विधानसभा क्षेत्र के बाजना ग्राम पंचायत अंतर्गत प्राकृतिक तीर्थ स्थल भीम कुंड का 3,72,00,000 रुपए की लागत से होने वाला सौंदर्यकरण की आधारशिला सोमवार को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश राजपटन विकास नगर के अध्यक्ष विनोद कोटिया के द्वारा भूमि पूजन के साथ रखा गया, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बतौर विजावे विधानसभा के पूर्व विधायक गुड्डन पाठक रहे। भीमकुंड में 3,72,00,000 की लागत से डी शेल्डर, कथा मंच, सीढ़िया, सुरक्षा रेलिंग, रेस्टिंग, पार्किंग के अलावा अन्य कार्यों में लगाए जाएंगे। भीमकुंड का सौंदर्यकरण 3,72,00,000 की लागत से 4 माह की अवधि में होगा। कार्यक्रम में भाजपा नेता आनंद सिंह बुंदेला, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, वक्त सुहा जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मोती यादव, जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह के अलावा मध्य प्रदेश राज्य पटना विकास निगम के सब इंजीनियर सहित तमाम लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा महामंत्री सुनील अवस्थी ने किया। अभी तो आप सबके माध्यम से मैं लोगों को आमंत्रित करता हूं कि जब ये काम यहां हो जाएगा भीमकुंड का, तो इस काम को देखने आए, भीमकुंड का आनंद लें। और जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मुझे अभी बक्सवाहा से जब मैं आ रहा था तो 2 पर्यटक स्थल के संदर्भ में हमारे मंडल अध्यक्ष ने अवगत कराया है। मैंने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया है कि वो वहाँ जाके वहाँ की DPR बनाएं। जो भी विषय मेरे संज्ञान में विधायक जी के द्वारा लाया जाएगा, क्योंकि इनका इतना दबाव है मेरे ऊपर कि उस दबाव को मैं झेल नहीं पाता हूँ, अंततोगत्वा मुझे उसको करना पड़ता है, और इसलिए वो सब काम जो ये कहेंगे वो किए जाएंगे। आज हमारा बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन, जिसे हम पर्यटक स्थल भी कहते हैं, तीर्थ स्थल भी कहते हैं, बुंदेलखंड का और पूरे देश का बहुत ही अच्छा स्थल भीमकुंड धाम पर आज 3,72,00,000 की लागत से हम यहाँ का सौंदर्यकरण कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज माननीय अध्यक्ष जी विनोद जी के साथ यहाँ का भूमि पूजन किया गया है, जो निर्माण कार्य 4 महीने में पूर्ण हो जाएगा। आने वाले समय में यदि इसमें भी और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी धनराशि यहाँ लगाई जाएगी और स्थान को और भी सुंदर बनाया जाएगा। यहाँ पर मेन है रोड की समस्या, यहाँ से मेन रोड तक के लिए आप भी देख रहे हैं कच्चा रोड है, कब तक यहाँ पर है? ये इसी में शामिल है और बहुत ही जल्दी, चूँकि ये प्राइवेट लैंड थी, इसको ले लिया गया है और बहुत जल्दी इस पर भी रोड बनाया जाएगा। माननीय अभी लोगों की मुख्य चर्चाएं सुनी है कि यहाँ जगह बची नहीं है, जो खेल ग्राउंड थी, मेला के ग्राउंड था, वो सारा कैप्चर कर लिया गया है, जगह नहीं है। यदि अतिक्रमण होगा तो 101% हटा दिया जाएगा। यदि पट्टे वाली ज़मीन होगी, किसानों की ज़मीन होगी, तो निवेदन करके उनसे हाथ जुड़कर उस स्थान को मेले के दौरान लिया जाएगा और उनका जो भी मुआवजा होगा वो सरकार देगी। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड, जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10% नहीं 20% नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।